के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उक्त कार्रवाई पर हम सभी को घोर आपत्ति है, क्योंकि अब इसका कारण है मैं बताता भी रहूंगा, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा जब नमस्कार सभी दर्शकों को, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और मैं उत्तराखंड के सितारगंज से अश्विनी दीक्षित। आज हम पहुंचे हैं सितारगंज के मीना बाजार में। यहां पर रोड के चौड़ीकरण को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, जो कि व्यापारियों के हित में नहीं है। व्यापारी मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनका कहना है कि हमारे को नाजायज सताया जा रहा है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और हमारी दुकानों को उजाड़ दिया गया, हमारा रोजगार इसी से चलता है। तो हम बात करते हैं आपकी, सीधे बात कराते हैं उन दुकानदारों से जो यहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे साथ। दादा आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ में। आपकी दुकान में क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ? अगर दुकान नहीं चल रहा है फिर आप मीना बाजार की दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। हाँ तो भाई जी स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के अंदर। क्या मामला है कि दुकानों को तोड़ा जा रहा है? मामला क्या, किसी ने बताया नहीं जब आपको ये उजाड़ रहे हैं। हम तो 35 सालों में बैठे हुए, आज तक किसी ने ये सुनवाई कोई नहीं आया आज तक। और बैंड भी तो बनाया, किसी दुकानदारी किसी के सहन नहीं हुए, बेफालतू बैंड नहीं लगाते, बहुत दूर शहर से 4 किलोमीटर दूर। भाई जी ये जो दुकानें तोड़ी गई हैं, तोड़ी जा रही हैं, इसके लिए कोई नोटिस दिया गया आपको? कुछ भी नहीं दिया गया, वो नोटिस में कुछ नहीं भाई, तोड़ दी। जोशी जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। जोशी जी आगे आइए थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दुकानें आज उजाड़ी जा रही हैं आपकी, क्या मामला है, क्यों उजाड़ी जा रही है? ये सर BWD कह रहा है कि हमें 300 थोड़ा करना है और किसी दुकानदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और सीधे कानूनी कार्रवाई करिए, सीधे तो कोई नियम कानून के तरीके से सोच समझ कर प्लानिंग को कोई गरीब लोगों का रोजी रोटी नहीं है, सब भुखमरी के कगार पर हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं, सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। जोशी जी रोडवेज से जैसे जोड़ के देखा जाए, ये जो रोड है क्या इस रोड पर रोडवेज बचा आपने? जोशी जी का कहना है कि लिंक रोड जो है वो परली तरफ है, इस रोड पर हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, इस रोड पर कोई भी रोडवेज की बस नहीं आती है, क्योंकि ये रोड अंदर शहर के अंदर जाती है, अंदर शहर में रोडवेज का आवागमन बंद है। और ये जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं इनके लिए कोई भी नोटिस इनको नहीं दिया गया। आज इन सब ने इकट्ठे होकर के एकत्रित होकर के एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया है और उस तहसीलदार महोदय को जो भी ज्ञापन दिया गया उसमें अपनी मांगें रखी हैं कि हमारे को उजाड़ा ना जाए, अगर हमें उजाड़ा जाता है तो हमें कहीं और दूसरी जगह स्थान दिया जाए, जिससे कि हमारा परिवार अच्छी तरीके से पल सके, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और हम बेरोजगारी की कगार पर खड़े हुए हैं। आज हम बेरोजगार हो गए हैं, हमें चिंता है अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल से अश्विनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई खबर। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाड़ा गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है, उसी को लेकर मैंने करा है। क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहाँ पे परिवहन निगम द्वारा जब वहाँ रोडवेज की स्थापना करी गई तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से विष्टि चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था, वहाँ भी जमीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं करा, एक रंजीशन जो है रास्ता यहाँ से खोला। दूसरा यह है कि हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जब तक नगर पालिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर देती वेंडिंग जोन को,
उस वेंडिंग जोन को, जिसमें जो है कि वेंडर्स जब इन्होंने कमेटी बनाई तो उस कमेटी में ना तो हम चेयरमैन को रखा, ना नगर पालिका के किसी सदस्य को रखा, ना इन व्यापारियों को रखा, किसी को नहीं रखा। इन्होंने मनमानी तरीके से अपने ही तरीके से जो है कि वेंडर जोन की स्थापना कर दी। उसका लगातार विरोध जो है वेंडर्स भी कर रहे हैं, हमारा बोर्ड भी कर रहा है, सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं करी। इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि पूर्ण रूप से जब तक आप वेंडर जोन को स्थापित नहीं कर देंगे, विकसित नहीं कर देंगे, तब तक इनको नहीं हटाया जाना चाहिए था। और 15/11 तक, इसी 15/11/2022 को जो है हमको जो है वो सीमांकन करके, नगर पालिका को सीमांकन करके राजस्व विभाग ने ये जमीन हमको दी है। तो अभी इतनी जल्दी तो विकसित हो नहीं पाएगा, 50 लाख से ऊपर की धनराशि चाहिए, उसमें बहुत सारे काम होने, 1-1.5 साल लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने हटाया तो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी है। इसके लिए हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जाएंगे, जो सहयोगी इनके जो संस्थाएं रही उनके साथ, उन लोगों के खिलाफ हम जो कोर्ट की अवहेलना करी उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी में, उसको लेकर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दिया है। थोड़ा दूर दूर आराम से करूँगा। उपरोक्त विधेयक सादर निवेदन है कि सितारगंज नगर क्षेत्रांतर्गत मीना बाजार के समस्त व्यापारियों की दुकानों को, जिस कारण उक्त व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, उक्त कार्रवाई पर हम सभी को घोर आपत्ति है, क्योंकि अब इसका कारण है मैं बताता भी रहूँगा।